सिफारिश और हर काम में आसानी होगी। पंद्रह मिनट में आप आसानी सूरह यासीन पढ़ सकते हैं। सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, आप फरमाते हैं जो सूरह यासीन पढ़ने वालों के लिए 10 कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाता है, और ये सूर कयामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करेगी, और शुरू दिन में पढ़ने से उसके दिन की हर अमाल में लिखी जाएगी। हर जायज काम को अल्लाह आसान फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको यकीन की दौलत से नवाजे और रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। फिर मैं कहूँगा, अभी मैंने आगे सूरह तबारक लजी का जिक्र आया तो कहा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, आजकल तो यार हमारा यह हाल हो गया है, हमें सूरह यासीन याद आती है ज़रूर, मगर कब घर में मैयत हो जाए। हमें सूरह तबारक लजी याद आती है ज़रूर, मगर कब घर में मैयत हो जाए। सकरात का आलम हो, हाँ 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 माना, आप अगर कोई अल्लाह वाले हैं, रोज़ पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, मैं खुश हूँ, मगर अक्सर अक्सर देखा गया है क्या क्या बेचारे ऐसे भी होते हैं, हमारे काठियावाड़ की तरफ सौराष्ट्र इंडिया गुजरात में ऐसे भी लोग, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, मौलाना लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं भाई सकरात का आलम है मेरी माँ का या मेरे बाप का या मेरे भाई का या मेरे बेटे का या बीवी का, जरा आओ और सूरह यासीन पढ़ो। नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है, हर वक्त पढ़ो, जब दिल चाहे तब पढ़ो, जिंदगी है पढ़ो, तुम्हें काम आएगा, तुम्हारी दुनिया ये सारी परेशानी दूर होगी, आखिरत में खजाना ही खजाना मिलेगा, और सबसे बड़ी दौलत यह है कि ईमान के साथ खात्मा होगा और अल्लाह राजी, अल्लाह के महबूब राजी, अल्लाह वाले राजी। फिर अगर हम सूरह यासीन की ही फजाइल की तरफ जाएं तो फिर वो बहुत बड़े बयान हो जाते हैं, 2-3 घंटे के बयान हो जाते हैं। एक एक आयत के फजाइल पर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह किताब है, कभी इंशाल्लाह देखूंगा, सिर्फ सूरह यासीन के फजाइल। यहाँ तो मुझे ख़ास ख़ास कुछ कलाम इलाही, कुछ हदीस पाक, कुछ अल्लाह के नाम जो छोटे छोटे हो, हम आराम से पढ़ सकें, अमल कर सकें, और हमारी इस कलाम पढ़ने से दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। तो अल्लाह हमें वो तुम्हें तौफीक अता फरमाए। अब रोज़ाना अगर हम सूरह यासीन पढ़ें तो इस तरह से हमारे नामाल आमाल में नेकियां लिखी जाती है। एक दिन में सूरह यासीन एक बार पढ़ने से 10 कुरान का सवाब, सिर्फ एक बार। अब हम जॉब पे जाते हैं या सुबह उठते हैं, नमाजी हैं तो सुभान अल्लाह मस्जिद में पढ़ लो, या घर पे आके पढ़ लो, जॉब पे जाने से पहले यासीन से ही पढ़ लो, तो तुम्हारे आमाल में 10 कुरान का सवाब लिखा जाएगा। दूसरी फजीलत जो है वो अलग, वो तो आपको मिलेगी, और रोज़ पढ़ते हो, एक महीना अगर पढ़ते हो क्या, तो तुम्हें 300 कुरान का सवाब। साल, एक साल पढ़ते हो तो तुम्हें 3600 कुरान का सवाब। और ऐसे सिर्फ एक बार मामूल बना लिया, 25 साल हो गए समझो, तो तुम्हारे नामारे आमाल में 90,000 कुरान का सवाब। ये एक फजीलत है, एक फजीलत। बाकी दूसरी फजीलत है वो अलग है,
जैसे सूरह यासीन पढ़ेंगे शक्रात में आसानी हो जाएगी, सूरह यासीन पढ़ेंगे ईमान नसीब होगा, सूरह यासीन पढ़ेंगे बेटा होगा, सूरह यासीन पढ़ेंगे अच्छी जगह रिश्ता होगा, सूरह यासीन पढ़ेंगे मुश्किलात दूर होगी, सूरह यासीन मुबीन मुबीन वाली सात जो तरीका है वो पढ़ेंगे तो कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह वालों का दीदार होगा, और हुजूर की नियत करेंगे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, तो मुबीन वाली आयत पढ़ेंगे तो आका करीम का दीदार होगा, सात मुबीन वाली जो वज़ाइफ होता है। छोटी छोटी बातें हैं, 24 घंटा 12, 13, 15 घंटा हम दुनिया कमाने में लगते हैं, सिर्फ एक आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट दे दें तो हमारे आमाल में कितना सवाब होगा और कम से कम बख्शीश का जरिया होगा, अल्लाह अल्लाह के रसूल की रजा होगी। खैर, और आका करीम की हदीसे पाक है, हदीसे पाक के अल्फाज नहीं पढ़ता, तर्जुमा सुनाता हूं। हर चीज का दिल होता है, दिल हर चीज का दिल होता है, और कुरान करीम का दिल सूरे यासीन है। जो शख्स सूरे यासीन शरीफ पढ़ता है उसके लिए अल्लाह ताला 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखता है। हवाला कंसुल आमाल जिल्द अव्वल सफा नंबर 380। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, कुरान में एक सूरत ऐसी है जो कयामत के दिन अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी, और वो कौन सी सूर है? तो आपने फरमाया वो सूरे यासीन है। हवाला है दूरे मंसूर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 483। सुभान अल्लाह, दुरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरु मिन नूरिल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स सूरह यासीन सुबह के वक्त पढ़ेगा यहाँ तक कि वो शाम कर ले, और वो शख्स जो सूरह यासीन रात के हिस्से में पढ़े और वो रात की तारीकी आसानी से कर दे यानी सुबह हो जाए, सुभान अल्लाह, तो वो दिन रात में जन्नती है, सुभान अल्लाह। अजाबे कब्र से हिफाजत दिलाने वाली सूरत। हजरत खालिद इब्ने मादान रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबई से रिवायत है कि तुम्हें अजाबे कब्र व हश्र से निजात दिलाने वाली सूरत की तिलावत क्या करो, और वो सूरे अलिफ लाम मीम तंजिल यानि वो सूरे तबारक लजी और सूरे सजदा पढ़ा करो। आप फरमाते हैं कि एक शख्स सूरे सजदा पढ़ा करता था, उसके अलावा कोई विर्द नहीं करता था, और बड़ा गुनाहगार था। कब्र में सूरे सजदा ने उस शख्स पर अपने पर फैला दिए और कहने लगी, ऐ परवरदिगार इसको बख्श दे क्योंकि ये मुझे बहुत पढ़ा करता था। इस पर अल्लाह ताला ने उस कारी के हक में सूरे सजदा की सिफारिश कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्तो, उस कारी पढ़ने वाले के लिए हर गुनाह के बदले एक नेकी लिख दो और एक दर्जा उसका बुलंद कर दो। सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन मादान रदी अल्लाह तआला कहते हैं कि सूरे सजदा
कब्र में अपने कारी की तरफ से अल्लाह ताला से जगड़ती है, यानि सिफारिश करती है, और अल्लाह उसकी सिफारिश पूरी करता है और कहती है कि अल्लाह उसे बख्श दे या मुझे तेरी मुबारक किताब से निकाल दे, मिटा दे। और फिर अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल करता है। सुभान अल्लाह। पहाड़ों जितने गुनाह अगर हो, पहाड़ों जितने अगर गुनाह हो, तब भी माफी है और उसका नुस्खा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे परवरदिगार, इसका तर्जुमा है, हमने जुल्म किया अपनी जान पर और अगर तू ना बख्श हमको और हम पर मेहरबानी ना कर ना फरमाए तो हम जरूर नुकसान वालों में हैं। ये अगर कोई पढ़ता है, जो शख्स इस आयत को हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ता है तो उसकी मग़फ़रत की दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है, क्योंकि ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है और अल्लाह ने इस दुआ को मकबूल किया है और मकबूल हो चुकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको हिदायत नसीब फरमाए और अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये सारी चीज़ों का सवाब अजर ज़रूर है, मगर फ़र्ज नमाजों के बाद नमाज नवाफिल का भी, नफली रोज़ों का भी सवाब और अजर है ज़रूर, मगर फ़र्ज नमाज फ़र्ज रोज़ों के बाद। फिर अल्लाह करीम है, वो देना चाहें तो बेहिसाब दे दे, बेहिसाब दे दे। वो करीम है जो, और हमारे और तुम्हारे हमारे नबी रऊफ़ और रहीम है जो। सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व शहीदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नज़ाकत हुस्न की मिसाल हूर है या छुपे हुए मोती, हूर के लुआब में सात समंदर सह से ज्यादा मीठे बन जाएंगे। जन्नत की ख्वातीन के हुस्न की जामे खास हदीस है जो सुनना चाहिए, सारी दुनिया रोशन और मोतबर हो जाएगा। जन्नत की खातून का ताज, बालों की लंबाई, हूर के हुस्न करिश्मे, हाथ की खूबसूरती, हूर के दुपट्टों की कद्रो कीमत, हूर की मुस्कराहट एक दूसरे बदन में नजर आएंगे, हूर की जुत्ती, हूर की खुशबू, हर घड़ी हुस्न में सत्तर गुना ज्यादा इजाफा होती जाएगी।